इंग्लैंड के अंपायर माइकल गव पर 6 दिन की पाबंदी, आइसोलेशन में भेज दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल ने होटल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। ICC मामले की तफ्तीश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला है खूब मजा, चूंकि जो अंपायर हैं वो भी मान चुके हैं कि मैंने ये मैच फिक्सिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, ICC खुद इस मामले की तहकीकात कर रही है और आपको बताता चलूं कि ICC ने इस वक्त टीमें भी तश्कील दे दी हैं जो कि अंपायर की मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि आखिरकार विराट कोहली के इशारे पर इस बुढ़े ओल्ड अंपायर ने 9 बॉल का इशारा क्यों दिया, जिसके बाद बाबर आजम ऊंची ऊंची चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि ये 9 बॉल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बुड्ढे अंपायर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की एक ना सुनी और सारे मैच का मुद्दा मोहम्मद नवाज पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शकीन की तरफ से डाला जा रहा है। अच्छा खासा मैच जा रहा था अगर ये बुड्ढा अंपायर 9 बॉल का इशारा ना देता तो।